तो शुरुआत में मैं अपने घर के अंदर होता हूँ एंड यहाँ पर मेरे को ओल्ड रोड मिल जाती है भाई, जो कि बहुत औसम बात है। एंड टाउन मैप तो एक्स्ट्रा फ्री में मिलता ही है। एंड आफ्टर डेट मैं अपने घर से यहाँ से बाहर निकल आता हूँ, जहाँ पर मेरा दोस्त होप मेरा इंतजार कर रहा था। एंड उसके साथ हम हाई हेलो करते हैं एंड आफ्टर डेट हम देखते कि वुलुपू क्यों इस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसको इग्नोर करके हम आगे निकल आते हैं एंड मेरा दोस्त भी मुझसे पहले निकल जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई लियोन तो भाई शो ऑफ कर रहा है अपने फैंस के सामने। एंड आफ्टर डेट लियोन हमें अपना स्टार्टर पोकेमॉन चुनने का मौका देता है, जहाँ पर पहला पोकेमॉन ग्रोकी होता है। एंड मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ किया तो मैं नहीं करने वाला फिलहाल। एंड सिंडर को तो भाई इससे भी ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, तो इस बार मैं चॉइस करूँगा स्नोबल को, ठीक है। एंड या ये पोकन मेरे फेवरेट पोकन में से भी एक है वाटर टाइप में। एंड उसके बाद भाई पोकन टेक करते हैं और मेरे दोस्त के साथ मेरी बैटल भी हो जाती है, जहाँ पर भाई उसका एक पोकन में इतना उसके पास खतरनाक एबिलिटी है ना, मेरा अटैक भाई मिस करवा देता है। पता नहीं भाई बहुत खतरनाक एबिलिटी है, मुझे बहुत पसंद आया। बट जो भी हो उसके बाद मैं एंड तक मारता हूँ एंड उसका स्कॉर्बन मेरे को मिटा डालता है। एंड आफ्टर डेट यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो वुलू पोकन जो था ना वो यार गेट तोड़ के निकल चुका है। एंड हमें अभी हमें उसको ढूंढना है, या अभी हमें उसको ढूंढना है। एंड उसे ढूंढते ढूंढे मैं आगे जाता हूँ, जहाँ पर मेरे को एक लेजेंडरी पोकन दिखता है एंड इज द लेजेंडरी पोकन जैशियन। एंड भाई ये लौंडा यहाँ से मेरे को काउंटर करता है। एंड भाई इसके लेवल 100 थी, मैं डर गया भाई यहाँ पर क्या ही होगा। बट कोई बात नहीं, एक अटैक में ये मेरे को निपटा डालता है। मैं वापस से भाई अपने घर में नहीं जाता, ये अच्छी बात है। लियोन यहाँ पर आ जाता है एंड फिर लियोन ने उल्लू को ढूंढ लिया था एंड ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, तो लियोन बोलता है चलो यहाँ से निकलते हैं। एंड भाई जब उसके बाद मैं नेक्स्ट सिटी के लिए निकलता हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ पोकेमॉन्स मिलता है जो सबका मैं काउंटर करता हूँ, जिससे मैं काफ़ी लेवल अप हो जाता है। एंड फिर आता हूँ मैं नेक्स्ट सिटी में, जहाँ पर आने के बाद ही मैं पहले पोकेमॉन सेंटर में इलाज करवाता हूँ। एंड यहाँ का पोकेमॉन सेंटर काफ़ी औसम है, ऊपर की साइड यहाँ पर शॉप भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड शॉप में से मैंने काफ़ी चीज़ यहाँ से फिर बाई कर ली, बिकॉज जो चाहिए होता है स्टार्टिंग में जर्नी के लिए। एंड फिर ऐसे लियोन को मुझे मिला लाइब्रेरी के पास, जहाँ पर उसने मुझे सोनिया का एक पार्सल दिया, जो मैंने सोनिया को दिया। एंड फिर सोनिया ने मेरे को ऐसे रॉटम फोन प्लस ई प्लस एक एक्सपी शेड दिया। एंड उसके बाद हम सिटी से निकलने लगे एंड सिटी से निकलते निकलते मुझे एक जिगजागून दिखा, तो मैं सोचा भाई इसको भी कैच कर लेते हैं, बिकॉज इसका फाइनल फॉर्म मेरे को बहुत पसंद है, ये रिजनल फॉर्म का जिगजागून है। एंड इसको हमने कैच किया। उसके बाद भाई हम लोग थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे एंड कुछ ट्रेनर्स को भी मिल गया हम लोग को, तो भाई इन ट्रेनर्स को भी हमने पीट डाला यहाँ से गंदी तरीके से। एंड फिर हमें एक कुत्ता मिला भाई, एक कुत्ता पता नहीं मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने कैच कर लिया इसको। एंड ये काला रेजियन का ही है। एंड फिर हम लोग को प्रोफेसर मिले एंड यहाँ पर भाई तब एक वो भी मिली, उसका नाम क्या था भूल गया मैं, कोई एक प्रोफेसर एंड लियोन। एंड फिर भाई हम लोगों ने यहाँ पर कैच किया, कैच नहीं सॉरी हराया मेरे दोस्त को। एंड फिर यहाँ पर सोनी आ गया, जिसके बाद हमें यहाँ पर डायनामिक्स बैंड मिला, जो कि भाई काफ़ी औसम बात है। एंड फिर हम निकल लिए दूसरे सिटी के लिए, जहाँ पर मेरे को काफ़ी बड़ा एक वाइल्ड एरिया मिल गया एंड यहाँ पर कुछ भाई डायनामिक्स पोकेमॉन भी थे। तो भाई से पहले काउंटर में तो तुम डायनामिक्स पोकेमॉन को बस मार ही सकते हो। एंड या पहला पोकेमॉन मेरा मेउथ था, आई थिंक तुम लोग का भी वही होने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद भाई यहाँ पर सेकंड बार मेउथ आता है, जिसको बाद मैं इसको कैच कर लेता हूँ इजीली तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद हम कुछ और भी डायनेमिक्स पोकेमॉन को काउंटर करते हैं एंड फिर हम निकल आते हैं नेक्स्ट सिटी के लिए, जहाँ पर भाई नेक्स्ट सिटी में आने के बाद ही मैं कुछ यहाँ से टीएम खरीदने के बारे में सोचता हूँ। तो मैं सोचता हूँ पहले भाई अच्छा टीएम नहीं दिख रहे थे स्टार्टिंग के लिए, तो मैंने आइस बीम ले लिया था यहाँ से। एंड आइस बीम लेने के बाद भाई मैं सोचता हूँ यार कौन से पोकेमॉन को सिखाऊंगा, तो मेरा भाई सबल नहीं सीख सकता, तो मैंने सोचा भाई बाद में से सिखाऊंगा, ठीक है। एंड फिर मैं इस घर के अंदर आता हूँ, जहाँ पर इस लेडी से मुझे रॉक प्रूफ मिलता है। एंड आफ्टर डैट हम लोग यहाँ से ऊपर की साइड चले जाते हैं जिम के लिए, बट यहाँ पर जिम तो बंद था, बट यहाँ मेरा कभी ना दोस्त यहाँ पर मिल रहा था। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से जिम के लिए अपने को रजिस्टर करवा देते हैं, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट जिम। तो हम लोग दूसरे घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर सोनिया मेरे को मिलती है। ऊपर जाने के बाद एक टीम येल मिलती है मेरे को, जो कि भाई एक ट्रेनर को यहाँ पर सपोर्ट करने आई थी, बट भाई ये मुझे भी एक ट्रेनर देख के इन्होंने बैटल शुरू कर दी। पता नहीं भाई इनके दिमाग में पता नहीं पूरे गेम में क्या ही चलता रहता है, इनके पास दिमाग ही नहीं है। मतलब जो भी मैं इसके एक मेंबर को हराता हूँ, फिर एक के बाद एक चारों मेंबर मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं भाई एक अकेले ट्रेनर के ऊपर। बट कोई बात नहीं, मैं इन सबको यहाँ से बीट करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर भाई इनके टीम लीडर मरीन आती है, जब वो टीम लीडर नहीं सॉरी ये मरीन जो है इसको ये सपोर्ट करने आए थे। मैं जब इस बात बोलती है भाई सब डांटती है कुछ कि भाई सारे ट्रेनर से हमें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए ये सब। एंड आफ्टर डेट ये भी यहाँ से निकल जाते हैं, भाई खुशी थी इन लोगों से। एंड फिर यहाँ पर एक इवेंट शुरू होता है, जो कि भाई सारे ट्रेनर्स एंड जो कि पोकेमॉन चैंपियन लीग के लिए भाई यहाँ पर आए थे, सबका भाई अपना नाम इंट्रोड्यूस करते एक दूसरे का। एंड ये काफ़ी सही थिंक है भाई। एंड चलो इससे मेरा काफ़ी टाइम तक दिमाग तो खराब हुआ, फिर मैं निकल लिया बाहर, जहाँ पर मेरा दोस्त वापस से मेरे को मिला, इसको मैंने वापस ही हराया। एंड उसके बाद मेरा सबल यहाँ से अपने सेकेंड फॉर्म में इवॉल्व होने वाला था एंड इट्स वेरी ऑसम भाई। एंड फाइनली इट्स इवॉल्व इंटू ड्रिजलिंग, मुझे नाम नहीं पता इसका, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैं कुछ ट्रेनर्स को हराता हूँ एंड उसके बाद मेरे को एक फॉक्स मिलता है नाइन टेल्स, जिसको मैं कैच करता हूँ यहाँ से, जो कि मेरे को काफ़ी पसंद है। वल्पिक्स बाय द वे इसका नाम है। एंड उसके बाद हमें आगे की साइड एक केव मिलता है, जहाँ पर भाई साहब कुछ ट्रेनर्स होते हैं, सबको मैं यहाँ से बीट करता हूँ एक के बाद एक को। एंड फिर मेरा यहाँ से जिगजागून जो होता है वो यहाँ पर अपने सेकंड स्टेज में जा रहा था, भाई मुझे लगा था इसका डायरेक्टली थर्ड स्टेज में जाएगा, मुझे नहीं पता था इसका सेकंड स्टेज भी है लिटरली। एंड आफ्टर डैट मुझे अपना सेकंड राइवल मिलता है, जिसका ना वीडियो होता है, जिसको चैंपियन नहीं उसने चुना है, प्रेसिडेंट ने चुना है लॉन्डे को पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। तो भाई कोई बात नहीं भाई, इसको भी हम हराते हैं यहाँ से।
एंड इसका दो पोकन होता है एंड तीसरा पोकन भी काफ़ी स्ट्रॉगर नहीं होता है, मैंने सब करा देता हूँ एंड फिर मैं आ जाता हूँ बाहर जहाँ पर मुझे नेक्स्ट सिटी मिलती है एंड एक कुत्ता मेरे को ले जाता है यहाँ पर सोनिया के बाद, जहाँ पर सोनिया कुछ रिसर्च कर रही थी द डे डार्क के बारे में एंड कुछ ऐसे ही होता है डार्क डे या कुछ ऐसा ही इसका नाम होता है। एंड फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर जिम बैटल करने, पहला जिम तो भाई ग्रास टाइप था एंड या यहाँ पर जब मैं आता हूँ उसका पहला यहाँ पर पोकेमॉन दिखता है, मतलब हाँ पोकी पहली लड़की दिखती है। इसके साथ बैटल करने का टाइम मुझे यहाँ पर पता चलता है कि मैं इस जिम के लिए काफ़ी कमज़ोर हूँ फिलहाल एंड इसलिए मैं एक अच्छी खासी अटैक खरीदने आता हूँ, जहाँ पर मैंने फ्लेम्स वाला ले लिया था एंड इसको मैंने सिखा दिया अपने वल्पिक्स को, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे आइस बीम था तो मैंने सोचा आइस बीम भी इसे सिखा देते बिकॉज भाई दोनों ही ग्रास टाइप के ऊपर बहुत ही सुपर इफेक्टिव पड़ेंगे। फिर मैं आ गया यहाँ पर एंड थोड़ा देर आगे जाने के बाद पता चला कि मुझे इस पत्थर को इस बटन के ऊपर रखना पड़ेगा एंड भाई बिना किसी टीएम के भाई इसने पता नहीं कैसे इसने डायरेक्टली इसको पत्थर को धकेल दिया वल्पिक्स ने एंड फाइट वे जो भी वैसे करते करते फाइनली हम लोग यहाँ से भाई तो एंड के साइड आ गए एंड यहाँ पर फाइनली हमने लास्ट पत्थर को भी धकेल के स्विच ऑन कर दिया एंड फिर हम आ गए यहाँ से जिम लड़े के पास, जो कि भाई एक बिल्कुल बग कैचर की तरह दिख रहा था बट कोई बात नहीं भाई चलता है, लुकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना भाई। और फिर इससे बैटल शुरू हो जाते हैं जिसका फर्स्ट पोकेमॉन भाई एलडी गोस का छोटा रूप होता है जिसको हम हरा तो है दो शॉट के अंदर बट उसके बाद उसका सेकंड पोकेमॉन आता है एलडी गोस जो कि ओवर पावर था, लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था ये पोकेमॉन बट कोई बात नहीं, पहली बार उसको हम फायर स्पिन मारते हैं एंड फिर भाई इसका अटैक का डैमेज देखो भाई बहुत सही था एंड हमारा भी डैमेज काफ़ी कम नहीं भाई इससे, पर कोई बात नहीं भाई मैं वल्पिक्स को ये मेरे हरा देता है एंड फिर मैं अपना आइस बीम से नहीं हराता इसे एक डार्क पास मारता एंड फिर आइस बीम मारता और ये हार जाता है यहाँ से एंड आफ्टर डेट यहाँ पर भाई साहब हम लोग जीत जाते हैं अपना जिम बैच एंड इसके साथ हमें एक जिम मूव भी मिलता है एंड दैट्स ए ग्रेट थिंग, ठीक है। एंड फिर हम लोग यहाँ से आते हैं नेक्स्ट सिटी के लिए जाने बट यहाँ पर भाई मुझे एक फायरफिश मिलता है जो कि उसका ओरिजिनल फॉर्म पे था लाइक गदर फायरफिश, तो मैंने इसको कैच कर लिया यहाँ से, ठीक है। एंड आफ्टर डेट हम लोग भाई इधर उधर घूमे काफ़ी ज़्यादा एंड फिर मुझे यहाँ पर दो लौंडे दिखे जो कि भाई इस प्रोफेसर से या जो भी लौंडा है उससे एक रॉटम उसका बाइक छीन रहे थे तो बोला भाई मुझे हेल्प करने के लिए, तो मैं इसकी हेल्प करने आ गया एंड यहाँ पर जो टीम यल के मेंबर थे मैंने उनको यहाँ से हराया, एक के बाद एक दोनों को हराया मैंने यहाँ पर एंड ये लौंडा भाई हार जा चलो ठीक है। एंड फिर उसके बाद मेरा प्यार से पोकेमॉन यहाँ से अपनी सेकेंड स्टेज में इवॉल्व हो गया जिससे वेरी ग्रेट थिंग आई लाइक हिम, ओके। उसके बाद इस प्रोफेसर ने मेरे को रॉटम देखा, मेरे हाथों में रॉटम था जो कि सोनिया ने पहले मेरे को दिया था एंड फिर बोला कि मेरे पास रॉटम बाइक है तुम इसको ले लो जिससे तुम एक बाइक चला सकते हो एंड फिर भाई इसने मेरे को दे दिया एंड भाई देवे नहीं तो भाई टीम एल के मेंबर भी इसे चुरा लेते वापस से आकर रॉटम बाइक, तो इसने मेरे को देना अच्छा समझा एंड ये बाइक काफ़ी औसम थी जिसको मैं लेके आगे जा रहा था बट यहाँ पर मैं शत्रु था भाई जन्म का शत्रु जिसको भाई मैंने यहाँ से बीट किया राइवल, ठीक है। एंड फाइनली हम यहाँ पर आ गए जहाँ पर मेयर थे बीड़ा था एंड उसके कुछ दोस्त भी थे जहाँ पर भाई इधर पे हम लोगों का कुछ बातें चाहते हुआ एंड फिर यहाँ पर रेस्टोरेंट पता नहीं बंद किस लिए था, बंदा भाई बाहर ही खड़ा है बट उसके बाद मैं जब यहाँ टहल रहा था ना मुझे दिखा कि भाई जिमलेट तो बाहर टहल लिए यहाँ की, फिर तो मैं जिमलेट को बोला जाओ जिम में जाओ वापस एंड फिर भाई मैं भी इसके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया इसको हराने के लिए कुछ चीज़ें खरीदने, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मुझे एक अच्छा टीएम चाहिए था बट या मैं टीएम यहाँ पर खरीदना शुरू किया बट यहाँ पर मेरे को कोई अच्छा टीएम दिख नहीं रहा था भाई, मैं खरीदता तो खरीदता क्या एंड उसके बाद मैंने सोचा भाई थंडर खरीदेंगे बिकॉज भाई इस पोकेमॉन के ऊपर थंडर देने के बाद वाटर टाइप जिम को हराना बहुत इजी हो जाएगा, तो उसके बाद हम आ गए इसके वाटर टाइप जिम में एंड इसके जिम में कुछ एक गड़बड़ी थी बताए, मतलब इतना बड़ा भाई इसका पजल होता है ना मैं इसमें दिखाऊंगा, मैंने इसको कुछ ट्रेनर्स को हराया मतलब सबको ही हराया मैंने टू दैट बिकॉज मुझे लेवल चाहिए होता है तो मैं सबको ही हराता हूँ, ठीक है। कुछ चीट भी चूज नहीं करता मैं भाई देवे एंड आफ्टर डेट इसका भाई जिम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है भाई, तुम देखो यहाँ से तुम हर एक बटन को तुम यहाँ से ऑन करोगे ना तभी भाई इसका मतलब पजल खुलेगा एंड इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना भाई, मेरे को कम से कम भाई 10 से 15 मिनट लगाए इसके पजल को सॉल्व करने में एंड उसके बाद में फाइनली इसके पास आ गया एंड इससे बैटल करने का टाइम भाई मतलब ये लौंडी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन के साथ थी, ठीक है। तुम जस्ट देखना इसके पोकेमॉन, इसके पहले पोकेमॉन को तो मैं इजीली वन शॉट ही निपटा डालता हूँ एंड सेम एज हर सेकंड पोकेमॉन बट उसका जो थर्ड पोकेमॉन था ना जो कि भाई डायनेमिक्स ड्रेडनो था मतलब जाइगन डायनेमिक्स ड्रेडनो भाई वो काफ़ी पावरफुल था, एक शॉट में तो मैंने उसको लंका लगा दी थी बट भाई 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 लौंडा भाई बहुत ही सख्त तरीके से खेलता है एंड फिर जो भी हो उसके बाद वो मेरे काबू में आ गया था एंड फाइनली उसके बाद मैंने इसको हरा दिया। ओ शिट, मैंने इसको फाइनली 3 से 4 बार में हराया था पता है बट मैं तुम्हें एक बार में दिखा रहा हूँ भाई जब उसके बाद मुझे इसका जी मूव भी मिल जाता है मैकेस ग्लेशियर जिसको भाई सब मैं मैक्स ग्लेशियर एंड उसके जिसको मैं सिखाया था अपने इस प्यार से पोकेमॉन को एंड अब ये बहुत पावरफुल बन चुका है एंड उसके बाद यहाँ पर हमें एक रेस्टोरेंट में आते हैं सेलिब्रेट करने बिकॉज मेयर ने हमें कहा था कि अगर हम जीत गए ना मेयर सॉरी प्रेसिडेंट नहीं तो हम सेलिब्रेट करेंगे मेरे जिम मैच को जीतने के बाद, तो हमने सेलिब्रेट किया एंड फिर हम आ गए नेक्स्ट जगह के लिए जहाँ पर भाई साहब यहाँ पर पता नहीं कोई एक मेरे वेट कर रहा था नहीं ये बीडे था भाई, लौंडा हर वक्त मेरा राइवल बनना चाहता है बट इसकी औकात नहीं थी हमने इसे खड़ाया एंड उसके बाद हमें यहाँ पर एक नई बैट मिला जिसको मैंने कैच किया एंड फायरफिश के रिप्लेस में अपने टीम में रख लिया एंड आफ्टर डेट हमें आगे जाने के बाद दो ये टीम एल के मेंबर मिले जो कि रास्ता रोक रहे थे तो हमने उसको हराया एंड आगे निकल गया अपन लोग, जहाँ पर हमें वही सिटी बैक मिली भाई, ठीक है। एंड मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर करना क्या, तो मैं इसे घर के अंदर घुसा जहाँ पर मेरे को मरीन मिली, ठीक है।
एंड मरीन से उसके बाद मेरी बैटल भी शुरू हो गई। उसको एक जिम टेस्ट के लिए पहले एक वो चाहिए था वार्म अप, ठीक है, वर्कआउट, ठीक है, मेरे साथ बैटल करके वार्म अप चाहिए था, हाँ ठीक है। एंड जो कि भाई मैं इसे देता भी बहुत अच्छी तरीके से, एंड या इसके इस स्वगी को भी यहाँ से हरा देता हूँ स्क्रैगी, हाँ। एंड उसका लास्ट टोकन जो ये इसका फाइनल फॉक होता है, इसको भी मैं बीट करता हूँ। एंड उसके बाद भी इसको पता चल जाता है कि इसकी औकात ने फिलहाल जाने का जिम में, तो ये थोड़ी बहुत ट्रेनिंग विनिंग करेगी एंड फिर जाएगी जिम में, ठीक है। तो उसके बाद तो अभी तो अपन को तो जाना ही था, बट उससे पहले भाई मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करेंगे, बिकॉज मैं इतना पावरफुल बनना चाहता हूँ कि भाई हर किसी को मैं बीट करूँ। तो उसके बाद मैं तो पोकन को इवॉल्व कराने के लिए यहाँ पर भी आता है, तो जब मुझे फायर स्टोन मिलता है एंड मैं सोचता हूँ यार अपना जो रॉक रूफ है उसमें मैं ट्रेड स्टोन से इवॉल्व कराऊंगा, बिकॉज मैं उसका मिडनाइट फॉर्म काफ़ी टाइम यूज़ कर चुका हूँ। तो इस बार मैंने सोचा था भाई इसका दूसरा फॉर्म यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने वल्पिक्स को यहाँ से फायर स्टोन दिया, जिसके बाद वल्पिक्स हो गया अपना नाइन टेल्स में इवॉल्व, एंड आफ्टर डेट मैंने अपना ट्रेड स्टोन को दिया इसको, एंड मेरा रॉक रूफ हो चुका था अपने मिडनाइट फॉर्म में इवॉल्व होने वाला था। भाई देवे मिडनाइट फॉर्म नहीं, सॉरी सॉरी डक्स फॉर्म, ठीक है, डक्स फॉर्म, तो वो काफ़ी ऑसम है। एंड उसके बाद हम आगे कुछ डायनामैक्स बैटल करने, आई नो तुम्हें पता होगा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वो, बट सारे पोकन के लेवल मेरे पोकन से बहुत हाई थे, तो हमने सबको वो किया हराया एंड किसको कैच भी कर लिया, एंड या सारे स्टार्टर पोकन को हमने कैच किया। एंड जो भी हो भाई सब सारे यहाँ पर डायनामिक्स को यहाँ से बीट करना पड़ा हमें, एंड इतने सारे मिल रहे थे ना कि मेरे को लेवल से लेवल मिल जाता है। एंड भाई देखिए इन सबको अगर तुम हरा देते हो ना गाइस, तो सबसे बड़ी बात है तुम्हें इनका रेड कैंडी मिलता है, हर कारण से दो से तीन रेड कैंडी तुम्हें इजीली मिलता है। जैसे कि मेरे पास 28 रेड कैंडी हो गए चुके थे, एंड उसके बाद मैंने ड्रिजलिंग को जो है ड्रिजल जो भी इसका नाम है, मैंने इसको यहाँ से लेवल अप करके इसको फाइनल स्टेज के लिए 36 लेवल कर दिया था। एंड उसके बाद फाइनली मेरा पोकेमॉन यहाँ से अपने लास्ट फॉर्म में जा रहा है, जो कि एंटिलियन, एंड मेरा फेवरेट पोकेमॉन में से एक वाटर टाइप में, भाई सच में ऑसम, भाई जहर लगता है मेरे को, ये पता नहीं पर तुम्हें लगता है या नहीं लगता, बट मेरे को लगता है। उसके बाद ये अपना सिग्नेचर मूव सीखता है जो कि स्नाइप शॉट है, भाई क्या ही अटैक है, तुम पूरे गेम के अंदर देखना था इस अटैक को। एंड फिर फाइनली मैं जिम लीडर को हराने आ जाता हूँ, जो कि भाई सब ऑफकोर्स एक फायर टाइप जिम लीडर होता है, एंड मेरा भाई स्टार्टर पोकेमॉन इतना पावरफुल था। भाई देखिए यहाँ पर एक चीज़ होता है कि भाई एक यहाँ पे मेरेवर्क आएगा, ठीक है, जिसको भाई तुम्हें कैच करने के बाद इसके पास एक के कार्ड होगा, एंड उस कार्ड को तुम सबमिट करके आगे जा सकते हो। तुम इस मेरेवर्क को कैच करने की ट्राई भी मत करना, मतलब हाँ मैंने बहुत टाइम किया था, पहले तो मैंने इसके सारे बंदों को पहले यहाँ पर हराया, ठीक है, ए टू जेड। एंड फिर तुम्हें विश्वास नहीं होगा इस मेरेवर्क के कमरे को कैच करने के लिए ना मुझे कम से कम आधे से एक घंटे का टाइम लगा, कसम से बोल लो आधे से एक घंटे का टाइम लगा। मैंने यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल देखा, बट वहाँ पर सेम ही कसम कर रहे थे, बट पता नहीं मेरे हाथ में क्यों कैच नहीं आ रहा था लौंडा। भाई जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ बताना, बट मुझे बस आधे से एक घंटा लगा इसको कैच करने में, जैसे मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। एंड फिर इसके पास एक के कार्ड होते हैं जिसको मैं यहाँ से आइटम से टेक करता हूँ, ये देखो आइटम में जाता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको टेक कर लेता हूँ उसके कार्ड को, एंड फिर अपन लोग इस कार्ड को इस लौंडे को सौंपते हैं एंड हम उसके बाद आगे जा पाते हैं। एंड फाइनली मैं अपने फुल टीम के साथ आ चुका था इस फायर टाइप आग से चलते हुए जिम लीडर को हराने, एंड फिर भाई क्या होता था हमारी उसकी बैटल शुरू हो गई। एंड उसके बाद भाई सब चारों तरफ भाई रेड रेड है, भाई फायर टाइप सही है, भाई सही सही डिज़ाइन किया जिसने किया है। एंड फिर भाई अपना पोकेमॉन भाई अपने मूव मतलब मूड में था, भाई हर पोकेमॉन को वन शॉट कर रहा था स्नैप शॉट से, एंड उसका जाइगेंटा पोकेमॉन को तो मैं थोड़ा बहुत मजाक कर रहा था इसके साथ, बट जो भी हो उसके बाद मेरा दिमाग सरका और मैंने अपना सबसे पावरफुल मूव उसके ऊपर यूज़ किया एंड वन शॉट इसको खत्म आउट कर दिया। दिस इज़ अ ग्रेट थिंग इन दिस गेम। एंड फाइनली उसके बाद मुझे इसका बैज मिला एंड यहाँ से उसका जी मूव भी हमको इजीली मिल गया, क्योंकि मैक्स प्लेयर था तुम्हें पता ही है। एंड मैक्स प्लेयर सीखने के लिए भाई अपने पास एक पोकेमॉन फिलहाल है जिसका नाम है नाइन टेल्स, तो मैंने इसको मैक्स प्लेयर को भाई आपसे यूज़ किया एंड अपने प्यारे से नाइन टेल फॉक्स को सिखा दिया यहाँ से इसका मैक्स प्लेयर, जो कि भाई मैंने इसके पता नहीं कौन से मूव को हटाया था, हाँ फ्लेम ब्रश को हटाया था। एंड उसके बाद फाइनली मैं आ गया वाइल्ड एरिया में, जहाँ पर मेरे दोस्त मुझे वापस से मिला एंड उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत हुई, इसके बाद हम आगे की साइड निकल गए जहाँ पर हमने और काफ़ी सारे डायनेमिक्स बैटल करने की डिसाइड की, बिकॉज उससे काफ़ी सारे रेयर कैंडीज हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगी। तो भाई सबको हमने हराया, कैच किसी को भी नहीं किया। एंड भाई जब उसके बाद मेरा ली नून हाँ फाइनली अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका था एंड इट्स लुकिंग रियली 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 ऑसम भाई। एंड उसके बाद हमने कुछ और डायनेमिक्स बैटल की जिसमें मेगा पोकेमॉन भी आ रहे थे, एंड जो भी उसके बाद भाई ये ग्रैबी बहुत मस्त हो गया डायनेमिक्स ग्रैबी जो भी हो। एंड लास्ट ऑफ दी मैंने कुछ पोकेमॉन को यहाँ से काउंटर कर लिए एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ से जा रहा था। भाई ये लोग मेरे बैच कॉन्फर्मेशन ले रहे थे कि मेरे पास तीन बैच है कि नहीं, एंड तीन बैच होने के बाद इन्होंने मुझे कॉन्फर्मेशन दिया। एंड आफ्टर दैट ये लौंडा बोला मैं जाऊँगा पहले, भाई मुझे जाना है तू पीछे हट, एंड फिर ये लौंडा निकल गया। मतलब जो भी हो उसके बाद मैं इस सिटी में आ गया एंड यहाँ पर ये लोग कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद मेयर ने मुझे बोला कि यार डायनामिक्स बैंड से डायनामिक्स एनर्जी ऐसा बोला था जो हमें पता ही ऑलरेडी। एंड फिर ऐसे हमें स्टेडियम के बारे में बताया जाता है जो कि ये वाला स्टेडियम है। एंड उसके बाद लियोन हमें मिलता है जो कि अपने छोटे भाई के बारे में बात कर रहा था कि भाई वो थोड़ा अपसेट लग रहा है, सैड वैड लग रहा है। एंड आफ्टर दैट ये भी निकल जाता है इसका मीटिंग था मेयर के साथ, मेयर सॉरी उसके साथ
एंड आफ्टर हम रिहान के पास आते हैं जो कि लियोन चैंपियन लियोन का सबसे बड़ा राइवल होता है। एंड उसके बाद ये मेरे को एक घर पे लाता है जो कि एक बैंक था लगभग। एंड आफ्टर हम ऊपर जाते थे मेरे को सोनिया मिलती है एंड ये एक चीज़ के ऊपर वापस रिसर्च कर रही थी एंड इसको दो गालार के हीरो के बारे में पता था ओरिजिन। एंड आफ्टर डैट हम लोग इस घर के अंदर आते हैं जहाँ पर मेरे को एक पूकन मिलता है एंड मुझे पता नहीं पूकन कौन सा है बट ये मुझे पता ये रेड है जस्ट। एंड फिर मैं नेक्स्ट डे के लिए निकल जाता हूँ जहाँ पर मुझे ये तीन लोग रोक रहे थे। एंड फिर क्या था भाई साहब, अपन को तो इनको काटना था तो फिर क्या था हमने इनके साथ बैटल शुरू कर दी एंड इनके पोकेमोन को कुत्ते की मौत यहाँ से मार दिया। एंड उसके बाद भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम लोग कुछ ऑसम करेंगे भाई। जब उसके बाद मुझे ये लौंडिया भी मिली ठीक है एंड उसके बाद मैंने अपने दिमाग के आइडिया को यूज़ किया एंड फिर हमने सोचा भाई कहाँ पर है मेरा सारे वो क्या था उसका नाम, हाँ रेड कैंडी। तो मेरे पास 30 रेड कैंडीज थी एंड मैंने सोचा भाई एक अल्टीमेट पोकेमोन बनाते हैं। मैंने एक टू जेड सारी रेड कैंडीज यूज़ कर दी मेरे एंटेलियन के ऊपर एंड फाइनली एंड ऑफ द डे एंटेलियन एक अल्टीमेट सुपर डुपर पोकेमोन बन चुका था जिसको हराना भाई किसी के बाप के दम में नहीं है। तो भाई तो 68 लेवल का पोकेमोन भाई इधर पे सोच रहे क्या ही हल्का मचाएगा। फिर भाई आधे घंटे 10 मिनट के बाद सफर के बाद फाइनली हम लोग कुछ ट्रेनर को बीट करते हैं एंड उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ से नेक्स्ट सिटी में, जहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं लोगों के छत में घुसता हूँ एंड उधर से चीज़ें चुराता हूँ। एंड फिर भाई हम लोग जाते हैं जहाँ पर मेरा दोस्त मुझे वापस से मिलता है एंड इसके पोकेमोन को भाई एक एक शॉट फिलहाल में कर रहा था इजी तरीके से। एंड उसके बाद फाइनली हम आ जाते हैं जिम के लिए, जहाँ पर भाई साहब जिम भाई बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब जाना डिफिकल्ट होता है जिम, धीरे से बैटल नहीं जाना भाई इतना डिफिकल्ट होता है कि तुम देखो यहाँ से नीचे ग्रेविटी में खींच लेगी एंड उसके बाद अगर तुमने छोटी सी भी गई इस गलती की ना यहाँ पर तो तुम भाई इस गलती का सजा लाइकली स्टार्टिंग से जाओगे एंड वो भुगतोगे। तो जो भी हो भाई एंड ऑफ दी मैंने इस जिम को क्रॉस कर लिया एंड उसके बाद मैं आ गया जिम लीडर के पास जो कि भाई एक पता है घोस्ट टाइप में मास्क लगा के एक लौंडा था एंड इसके पोकन भी घोस्ट टाइप की थे। तो कोई बात नहीं भाई साहब, मैं इसके फर्स्ट पोकन को बहुत गंदी तरीके से बीट करता हूँ, उसका लास्ट सेकंड पोकन जो होता है इसका मैं डार्क पल्स मारता हूँ एंड फिर उसके बाकी पोकन के लिए मैं सोचता हूँ भाई इसको यूज़ करते हैं जो कि भाई साहब पहला अटैक में सह जाता है बट उसके बाद मैक्स डार्कनेस सह नहीं पाता एंड आफ्टर डैट भाई इसका गेंगार आता है जिसको भाई उसका पहला मैक्स डार्कनेस मेरे को लगता है फिर अपना एक मैक्स डार्कनेस है वो खत्म आउट हो जाता है, फिनिश आउट सॉरी। एंड फाइनली हम जीत जाते हैं और एक जिम बैज एंड विथ ए जी मूव। तो भाई इस बार मैक्स डार्कनेस मिला था जो कि मेरे पास ऑलरेडी था एंड नहीं इस बार हाँ मैक्स डार्कनेस नहीं मिला था, एक घोस्ट टाइप मिला था ठीक है, मूव मिला था जो कि डायनामिक्स मूव है। एंड फिर मैं सोचा मैं इसको किसको सिखाऊंगा एंड लास्ट ऑफ दी मैंने अपने इस पोकेमोन को डायरेक्टली और एक घोस्ट मैक्स मूव सिखा दिया जो कि डाइगेंटामिक्स मूव होता है। पता नहीं भाई गेम काफ़ी ऑसम लगा मेरे को जो भी है। एंड फिर हम ऊपर की साइड आए जहाँ पर सोनिया ने मेरे को यहाँ पर बुलाया एंड बीडे पता नहीं भाई एक स्ट्रक्चर को तोड़ रहा था और वो पोकेमोन लिखे ठीक है। किसका पोकेमोन था ये, किसका था भाई, हाँ वो उसका मेयर नहीं था, वो प्रेसिडेंट का पोकेमोन लेके भाई कुछ ग्लिच हो गया था इसके खातिर ये बीडे कुछ और दिख रहा था बट कोई बात नहीं। यहाँ पर भाई उसका प्रेसिडेंट आते हैं एंड बीडे का सब कुछ सीरीज कर लेते हैं जो कि सर डायनामिक्स बैंड होता है सारे विशिंग स्टार जो कि डायनामिक्स करने के लिए लगते हैं एंड उसके सारे पोकेमोन लगभग सब कुछ सीरीज कर लेते हैं एंड उसका भाई अभी वो कुछ नहीं कर सकता, चैलेंजर नहीं बन सकता ठीक है। एंड उसके बाद हमें इस जगह दिखाया जाता है जो कि भाई पोकेमोन सॉर्ड एंड शील्ड का वो स्टैचू होता है राइट। एंड आफ्टर दैट हम इस सिटी से निकल जाते हैं इस साइड से एंड उसके बाद भाई एक बहुत ही घना जंगल एंड अगर तुम पोकेमोन पकड़ना चाहते हो ना गालार के अंदर तो भाई यहाँ से पकड़ना, बहुत ही मस्त मस्त पोकेमोन मिलते हैं भाई, फेवरेट है मेरे बट मैंने एक भी कैच नहीं किया सच बता रहा हूँ। एंड जो भी है भाई साहब मैंने कुछ ट्रेनर्स को यहाँ पर बीट किया एंड फिर भाई 10 से 5 मिनट मतलब हाँ जगह घूमा एंड फिर मैं आ गया यहाँ पर एंड फिर मुझे मिल गया एक गुड रॉड एंड फिर मैं आ गया यहाँ पर जिम चैलेंज करने। मतलब ये जिम बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बिल्कुल ब्लेम की जिम की तरह है, जनरेशन 1K8 जिम की तरह, बिकॉज तुम एक ट्रेनर को हराएगा एंड उसके बाद ये दरवाज़ा खुलेगा एंड ऐसे करते करते तुम सबको हरा दोगे यहाँ से तब फाइनली लास्ट दरवाज़ा खुलेगा एंड तुम्हें यहाँ से जिम लीडर मिल जाएगा। तो भाई बिल्कुल कॉपी पेस्ट जिम है बिल्कुल ये ठीक है। एंड जो भी है बाय द वे मैं इस जिम लीडर के पास आ जाता हूँ जो कि पहले हमें मिल चुकी थी बाहर एंड फिर इससे हमारी बैटल शुरू हो जाती है एंड इसके फर्स्ट पोकेमोन को भी वन शॉट करता हूँ मैं एंड उसके बाद उसका सेकंड पोकेमोन आता है जिसको भी वन शॉट करता हूँ मैं स्नैप शॉट के साथ एंड इसके थर्ड पोकेमोन को भी वन शॉट एंड इसके फोर्थ पोकेमोन को भाई साहब मैं यहाँ से वन शॉट करने की ट्राई करता हूँ एंड लेकिन ये भाई पावरफुल था जो भी है एंड फिर मेरा पोकेमोन को ये अपने प्यार में गिरा देता है बट कोई बात नहीं भाई अपना पोकेमोन तो भाई साहब खतरनाक है ही भाई साहब क्या ही बोले मैं इसको बट कोई बात नहीं एंड ऑफ द टाइम हम इसको मार देते हैं एंड फिर हमें इसका भी जिम बैज मिल जाता है एंड साथ ही साथ इसका हमें जिम मूव जो कि है वो भी मिल जाता है जिसका भाई साहब काफ़ी एक अच्छा फेरी टाइप मूव था। तो भाई साहब मैं सिखा दो अपने एंटेलियन को बहुत सारे मूव वो मूव जी मूव एंड फिर ये लौंडिया बोलते कि उसका भी भाई उस सिटी में कुछ काम है जिसमें हम पहले गए थे एंड फिर हम उस सिटी में ये ले आती है जहाँ पर भाई साहब मुझे बीडे मिलता है जो कि बोलता है भाई ये बात करेगा प्रेसिडेंट से कि उसका वापस कर दे सब। एंड फिर भाई मेरा दोस्त मुझे बोलता है जो कि मुझे रोड 7 में आने के लिए बोलता है तो अपन जरूर रोड 7 के लिए निकल लेते हैं। तो उसी बीच भाई उस बंदे से मुझे वापस से बैटल हो जाती है मेरे दोस्त से एंड उसके बाद ये लौंडा भाई साहब न्यू टीम लेके आया था जिसको भाई मैंने फिर से वन शॉट कर दिया बिकॉज मेरा पोकेमोन अल्टीमेट था ही फिलहाल तो कोई तो टिक नहीं पा रहा था मेरे सामने ठीक है।
एंड उसके सिंडी को भी वन शॉट नहीं कर पाता मैं, बट जो भी हो सिंडी को दो तीन शॉट में हमें हराना पड़ता है। बट आफ्टर दैट मैं सोचा भाई अपने पुकोन को यहाँ से जाइगेंटा मैक्स करते हैं ना, फिर मैंने विशिंग स्टार से गया एंटेलियन को हाथ दिया एंड उसके बाद फाइनली एक जाइगेंटा मैक्स पोकेमॉन जो कि भाई दुखिंग में तो भाई जहर था बिल्कुल। एंड आफ्टर डेट हम लोग आगे की साइड आ गए जहाँ पर भाई साहब हमें काफ़ी बड़ा रेगिस्तान के एरिया मिला एंड जिसको कम से कम तुम्हें 5 से 10 मिनट लगेगा पार करने में, ज़्यादा बड़ा नहीं है ठीक है। अगर तुम हर बंदे से बैटल करते हो तो तुम्हें 30 मिनट लगेगा, जैसे मुझे भी लगा है 30 मिनट ऐसा कुछ हर बंदे से बैटल करते करते। बट कोई बात नहीं, उसके बाद में आ गया बाहर की साइड जहाँ पर और एक आई साइड था एंड यहाँ पर तुम 2 मिनट के अंदर ही बाहर निकल जाओगे, बहुत ईजी था ये जगह। मैं 2 मिनट के अंदर ही मैं बाहर निकल गया एंड फिर यहाँ पर मैं जिम डे के लिए आ गया, जिम देने के लिए, जिम टेस्ट नहीं, जिम देने को हराने के लिए। बता दें कि आगे जिम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है भाई, कुछ जन 2 के जिम की तरह ही है कुछ यहाँ पर कुछ, कि तुम आगे जाओगे ना अगर तुम गड्ढे में गिरे ना तो वापस पहली वाली जगह में आ जाओगे एंड गड्ढे तुम्हें दिखते भी नहीं है भाई, इनविजिबल गड्ढे हैं। तो कोई बात नहीं, कुछ आधे घंटे के भाई सफ़र के बाद फाइनली मैं यहाँ से पहुँच जाता हूँ। बहुत हार्ड लगा मुझे ये जिम क्रॉस करना, बट कोई बात नहीं, मैं क्रॉस करके आता हूँ यहाँ पर एंड फाइनली इसके जिम लीडर के साथ मेरी बैटल शुरू हो जाती है जो कि एक रॉक टाइप का था जिम लीडर। एंड यू ऑल नो दैट मेरे पास कौन सा पोकेमॉन है इनको बीट करने के लिए, तो पहले पोकेमॉन तो ऐसा रहता है, दूसरे पोकेमॉन को हराने के लिए मैं जाइगेंटामैक्स मूव यूज़ करता हूँ एंड फिर एक शॉट पुम, दो शॉट पुम, सारे पोकेमॉन को ऐसे ही मैं इजीली हराता हूँ। उसको डायनामिक्स पोकेमॉन जो आता है उसको मैं एक शॉट में हरा देता हूँ एंड फिर क्या था भाई, हमें अपना जिम बैज मिलता है एंड अपना जिम बुक भी मिल जाता है। एंड भाई ये भाई मैक्स रॉक फॉल था जिसको मैं सिखाता हूँ अपने इस प्यारे से पोकेमॉन को एंड फिर भाई यहाँ पर हम मेरे और मेरे दोस्त का भी बैटल शुरू हो जाता है जहाँ पर मैं इसको वापस ही हराता हूँ एंड फिर फाइनली हम लोग निकल जाते हैं नेक्स्ट सिटी के लिए। बट यहाँ पर थोड़े आने के बाद वापस से मुझे यही लौंडा मिलता है जिससे मुझे रॉटम फोन मिला था एंड इस बार ये लोग इसे वाटर बाइक को चुरा रहे थे भाई, चुराने की ट्राई कर रहे थे एंड वापस से मैं आ गया इसको बचाने। भाई मैं हीरो की तरह भगवान की तरह कहाँ से टपकता हूँ किसी को नहीं बताया ना, बट कोई बात नहीं, उसके बाद ये लौंडा मुझे खुश हो गया वापस ये था वाटर बाइक, जब मेरा रोटम फोन अभी वाटर बाइक में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, दैट्स गुड भाई। एंड उसके बाद मैं ऐसे करते करते अपने बहती हुई नैया को पार लगाता हूँ एंड फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ लोग मिलता है जो कि भाई मुझे सिटी के अंदर घुसने से रोक रहे थे। बट भाई यहाँ से मुझे बन्नी साइड में बुलाती है, बोलती है यार चलो तुम मेरे ड्राइवर हो तुम मुझसे बैटल करो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अंदर घुसने दूंगी। एंड फिर क्या था भाई हमारी बैटल शुरू हो जाती है इससे एंड इसके हर एक पोकेमॉन का तुम्हें पता है मैं एक एक शॉट मार के इजीली फिनिश आउट कर सकता हूँ, बट कोई बात नहीं मैंने थोड़ा बहुत इसके साथ मजे किए एंड फिर भाई इसके सारे पोकेमॉन के ऐसे फाइनली फिनिश आउट कर दिया। एंड उसके बाद भी हमें एक्सेस मिल गया इसकी टाउन में घुसने का और फिर फाइनली मैं इसके सिटी में आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर आने के बाद मुझे कुछ लौंडे यहाँ से रोक रहे थे, तो भाई हमें कोई रोक सके इसमें कितना दम है, उसमें क्या ही दम है। तो उसके बाद मेरा नोइवन यहाँ से इवॉल्व आता है, भाई क्या ही क्यूट लगता है ये नोइवन। एंड उसके बाद मैं उसे एक मैक्स मूव सिखाता हूँ जो कि बहुत पावरफुल ड्रैगन टाइप मूव था। एंड फिर भाई साहब अपन लोग आते जिम लीडर के पास जहाँ पर भाई जिम लीडर के कुछ चमचे थे जो कि साइड निकले एंड फिर हमने जिम लीडर से यहाँ से बैटल शुरू कर दी। जो भी है भाई जिम लीडर देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा था एंड फिर भाई इसके पोकेमॉन शायद डार्क टाइप थे एंड इसका पहला पोकेमॉन भाई मेरे को पता नहीं बहुत परेशान कर रहा था, एक शॉट में तो नहीं मरा, फिर दूसरे शॉट जब मैंने मारा उसमें भी नहीं मरा साला। एंड फिर मेरे को आया गुस्सा, मैंने बोला अब भाई बचा के दिखा तू, अब बचा के दिखाना, मैं भाई डायनेमिक्स करके सेम मूवी मारूंगा बट तेरे पोकेमॉन की एल लगा दूंगा। फिर भाई इसने वापस अपने पोकेमॉन को भाई रिस्टोर किया है पोजीशन से एंड फिर हमने एक ही शॉट में से फिनिश आउट किया। एंड आफ्टर उसका सेकंड पोकेमॉन था जिसको भी हमने एक शॉट कर दिया एंड फिर भाई उसका थर्ड पोकेमॉन को भी हमने एक शॉट ही कर दिया एंड फिर उसका फोर्थ पोकेमॉन था जिसको भी हमने वन शॉट ही कर दिया एंड फाइनली आई वन अगेन। या मैं अगेन और एक जिम जीत चुका था एंड इसका जीव सब कुछ लेके मैं सिटी से निकल चुका था जहाँ पर मेरे को लियोन मिलता है। एंड या जो कि एक बात भी कर रहा था कि भाई साहब कुछ अलग से अलग हो रहा है सिटी वेटे में, ठीक है कुछ सीरियस मैटर है। एंड फिर भाई ये निकल जाता है यहाँ से एंड जब हम यहाँ पर आते हैं भाई तब सोनिया था एंड मेरे सारे लोग भी यहाँ पर थे, दोस्त वोस्त था। फिर यहाँ पर पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है गाइस, यहाँ पर कुछ इस सिटी में कुछ हेमर फ्लॉक सिटी में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एंड उसके बाद अपन लोग ऊपर की साइड आते हैं जिम को हराना जो कि भाई रिहान का जिम था जो कि लास्ट जिम है यहाँ का। एंड या ये चैंपियन का एकमात्र राइवल है तो तुम सोच सकते हो ये लौंडा कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। तो वैसे इससे हमारी यहाँ से बैटल शुरू हो जाती है, शुरू करना बैटल, हाँ शुरू हो जाती है बैटल। एंड फाइनली उसके बाद में इसका पहला पोकेमॉन ये लौंडा होता है जिसको हराने के लिए मैं सोचता हूँ यार चलो अपना फाइनल मेन पोकेमॉन को यूज़ ही करना पड़ेगा बिकॉज भाई ये रॉक टाइप था। तो कोई बात नहीं भाई इसको यहाँ से मैं एक स्नैपशॉट से फिनिश आउट करता हूँ एंड फिर भाई बाकी सारे बैटल्स में सोचता भाई अपने नोइवन के साथ ही लड़ूंगा। बट भाई इसका ये स्टील टाइप एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन भाई मेरी एल लगा देता है यहाँ से, एक ही शॉट में मेरे भाई नोइवन को खत्म कर देता है। बट फिर भाई मैं इसे औकात दिखाने आ जाता हूँ एंड एक शॉट में इसका पहला पोकेमॉन एंड उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन को भी भाई साहब एक ही शॉट में फिनिश आउट कर देता हूँ अपन। एंड आफ्टर डेट भाई हमें इसका जिम बैज एंड साथ ही साथ इसका जी मूव भी मिल चुका था एंड ये ऑसम बात है। एंड फिर हम यहाँ से निकल लिए जहाँ पर मेरे को बाहर सोनिया मिली एंड ये डार्क डे के बारे में बात कर रही थी एंड कुछ डार्क डे के कुछ हीरो पोकेमॉन भी है इसके बारे में बात कर रही थी। तो भाई उसके बाद अब लोग आ गए यहाँ पर जहाँ पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट था एंड फिर मेरे दोस्त के साथ मैं यहाँ से निकल लिया एंड उसके बाद मैं आ चुका था एक आइस फील्ड में। एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने कुछ ट्रेनर्स को भी बीट कर लिया यहाँ से, मतलब हाँ ट्रेनर्स अप्रोच कर रहे थे सारे तो हमने सबको बीट ही कर दिया यहाँ से। एंड फिर हम लोग ऐसे करते करते
फाइनली हम लोग यहाँ से आ गए थे नेक्स्ट सिटी के लिए। एंड यहाँ पर आने के बाद भाई अभी हमें चैंपियन को लीग के लिए चैलेंज करना, चैंपियन लीग समझ रहे ना कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ से मैं आ गया चैंपियन लीग को चैलेंज करने के लिए। एंड यहाँ पर मेरा दोस्त भी खड़ा हुआ था जो कि भाई साहब ये भी आया था चैंपियन लीग को चैलेंज करने। और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए एंड यहाँ से हमारा फर्स्ट बैटल के लिए हमने यहाँ से रजिस्टर किया। एंड फाइनली हमारा फर्स्ट बैटल यहाँ से शुरू होने वाला था मरने के साथ, एंड इट्स अ वेरी एक्साइटमेंट थिंग फॉर मी। सो यहाँ से हमने यहाँ से इसके साथ बैटल शुरू कर दी। एंड फिर क्या था भाई साहब, इसका पहला पोकेमॉन जो था वो था ये कैट। एंड इसको हराने के लिए अपने पास ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हें तो बताइए। पहले मैंने अपने पोकेमॉन को डायनेमिक्स करना सही समझा, भी कुछ चैंपियन बैटल है भाई, एक बार हार गए तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका पहले पोकेमॉन को मैंने वन शॉट हराया, उसके बाद इसका दूसरा पोकेमॉन को भी हमने यहाँ से वन शॉट कर दिया था। एंड फिर इसका तीसरा पोकेमॉन था जिसको भी हमने यहाँ से इजीली वन शॉट किया। एंड फिर इसका भाई फोर्थ पोकेमॉन जिसको भी हमने यहाँ से वन शॉट नहीं कर पाया बिकॉज भाई इसके ऊपर वाटर टाइप मूव यूज़ नहीं होता। तो भाई उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक फेयर टाइप मूव यूज़ किया जो कि मेरी गलती थी, बट कोई बात नहीं, ये भी हार जाता इससे ही। एंड उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन जो कि लुकिंग में भाई बिल्कुल जहर था भाई, बट कोई बात नहीं, चाहे घंटा मैक्स डायनामैक्स है तुम कोई भी मैक्स हो जाओ, हमसे तो भाई एक शॉट में मरने वाला तुम। एंड फाइनली उसके बाद हम लोग जीत जाते हैं अपना फर्स्ट बैटल। एंड उसके बाद हम सेकंड बैटल लड़ने आते हैं चैंपियन लीग का, जहाँ पर भाई मेरा दोस्त होता है यहाँ पर। एंड कोई बात नहीं भाई, दोस्त हो दुश्मन हो यार हो कोई भी हो भाई, सबको हराना बनता है बिकॉज चैंपियन लीग है, यहाँ पर कोई दोस्ती वोस्ती नहीं चलती। तो फिर भाई मैं अपने इंटेलियन को वापस से करता हूँ जाइगेंटा मैक्स, एंड इसके भाई वैली पोकेमॉन को एक ही गोली में आउट कर देता हूँ गेम से बाहर। नहीं सॉरी आउट नहीं कर पाता, बच जाता है लौंडा जो भी सख्त लौंडा था। इसकी एबिलिटी काफ़ी ऑसम है भाई, पहली मैच में भी इसने मेरे को रुलाया था एंड एंड मैच में भी रुला रहा है। एंड जब भी उसके बाद उसको सेकंड पोकेमॉन को मैं एक ही शॉट में आउट करता हूँ। एंड फिर उसका थर्ड पोकेमॉन नॉट लैग जिसको मैं वन शॉट लिए आउट करता हूँ, नहीं होता, ये पावरफुल था लौंडा, कोई बात नहीं। एंड जो भी उसके बाद मैं अपना डार्क पल्स मारता हूँ एंड फिर ये फिनिश होता है। एंड फिर इसका थर्ड पोकेमॉन आता है एंड इट्स ए पावरफुल पोकेमॉन, बट इसको आने के लिए मैं अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ नहीं कर पाता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मैं इसको हरा दूंगा बाद में। याद आता है ये डार्क टाइप पोकेमॉन है भाई, बहुत इजीली नहीं हारने वाला, बट कोई बात नहीं, एंड ऑफ द ये मेरे को मार देता है। एंड फिर मैं अपना रॉक रूफ को बुलाता हूँ, अपना सबसे पावरफुल मूव मैक्स स्टार फॉल का यूज़ करता हूँ इसको हराने के लिए। एंड फाइनली ये मरता है। एंड उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन था, मैंने सोचा एक ही शॉट में इसको हरा दूंगा, ये क्या करेगा, बट भाई इसका अटैक से एक ही शॉट में मेरा पोकेमॉन फिनिश। एंड मैंने सेकंड पोकेमॉन के साथ भी सेम ही सलूक करता है भाई, कितना पावरफुल है सेंटर इसका। एंड थर्ड पोकेमॉन को भी मैं इजीली हरा देता ये, एंड जो भी एंड में ये पोकेमॉन को भी हराता है। एंड फिर मुझे सोचा भाई मैक्स रिवाइव यूज़ करना ही पड़ेगा, एंड फिर मैं यहाँ से मैक्स रिवाइव का यूज़ करता हूँ। एंड फाइनली उसके बाद सेंडी को हराते हैं अपन। एंड यहाँ पर हम लोग अपना दूसरा फाइनल बैटल भी जीत चुके थे, बट आज के दिन और कोई बैटल नहीं था तो हम जाए एंड यहाँ पर लियोन के साथ भी बात किए। एंड उसके बाद ये भी काफ़ी खुश था भाई। एंड फिर भाई हम लोग सो गए नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ था नहीं, हम यहाँ से डायरेक्टली ए सो जाना भाई, ओके हाँ सो गए अपन। एंड आफ्टर नेक्स्ट डे हो चुका था यहाँ पर। एंड नेक्स्ट डे भाई साहब यहाँ पर हमें पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, लियोन एंड प्रेसिडेंट कुछ मीटिंग कर रहे हैं एंड वो भाई काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ सड़बड़ हो सकता है। रोज चार के ऊपर भाई एक कुछ लाइट आ रहा है, रेड लाइट, जो कि भाई साहब खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हम प्रेसिडेंट से बात करने के लिए, बट ये लौंडे बोलते हैं प्रेसिडेंट की जो वो होती है पीए होती है जो भी तुम बोल सकते हो, वो बोलते प्रेसिडेंट एंड लियोन को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग पे हैं। एंड फिर अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं एंड उस टीम को, तो प्रेसिडेंट के साथ वाले जो टीम होते हैं ना, उस टीम के बूढ़े मेंबर्स होते हैं उनको भाई मैं ढूंढने लग जाता हूँ, ठीक है। एंड उनको ढूंढते ढूंढते भाई साहब उनको मैं मारता हूँ एक एक करके, पकड़ पकड़ के मारता हूँ भाई सबको, ठीक है। बस उनको भाई काफ़ी गंदे थे एंड इन्होंने भाई प्रेसिडेंट का पीए जो था ना, जो भी है उसने भाई इनको यहाँ पर रखा था। एंड अच्छे मेंबर के साथ तुम बात करोगे तो वो बैटल नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम बुरे मेंबर के साथ बात करते हो बैटल करना शुरू कर देते हैं। एंड बैटल के बाद वो डिस्पॉन भी हो जाते हैं, मतलब कहाँ पर अपना चला जाते हैं। एंड ऐसे करते करते तीन मेंबर्स कम से कम थे उस टीम में, खतरनाक शैतान, जिनको हमने यहाँ से बीट किया। एंड फिर हम चले गए यहाँ पर भाई प्रेसिडेंट का टावर था, दोस्त टावर, एंड यहाँ पर भाई साहब हमने तीनों को पकड़ लेता है। एंड फाइनली एक लौंडा के बोलता है भाई के मिल चुका है, मतलब यहाँ पर ब्लॉक था, ठीक है, लॉक था, तो भाई साहब यहाँ पर हमने फाइनली के मिल गया। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर रोज टावर के लिए निकल पड़े। यहाँ पर जाने से पहले मैंने कुछ चीज़ें खरीदना भी इंपॉर्टेंट समझा, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो हमने काफ़ी सारे रिवाइव के आइटम्स ले लिए। एंड उसके बाद भाई यहाँ के जितने भी बंदे थे उनसे हमने बैटल कर ली, कम से कम इस फर्स्ट फ्लोर में तो तीन ही बंदे थे जिनको मैंने हराया। एंड फिर सेकंड फ्लोर में आ गया जहाँ पर भी तीन चार बंदे थे ही थे, तो जिनको मुझे हराना पड़ा। एंड इन सबको हराते हराते फाइनली मैं पहुंच गया था फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है, हाँ फोर्थ फ्लोर पे, जहाँ पर मुझे फाइनली मिल चुकी थी ये पीए जो थी, जो प्रेसिडेंट की थी, जिसने मुझे को बोला कि भाई तुम जा ही जा सकते हो ऊपर, जाने के लिए तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। तो अपन को ख्याल था भाई अपने पास था अल्टीमेट पोकेमॉन सुपर डुपर मेगा डायनामिक्स था पोकेमॉन, जिसके साथ मैंने एक ही शॉट में इसके फर्स्ट पोकेमॉन को नहीं हरा पाया, इसने स्विच कर लिया, बट कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने इसको हराने की ट्राई की, बट ये ग्रास टाइप का था तो बच गया। फिर सेकंड अटैक में हराया एंड उसके थर्ड पोकेमॉन को हमने हराया, थर्ड पोकेमॉन को इजीली हमने बीट किया, फोर्थ पोकेमॉन को भी बहुत ईजी तरीके से फिनिश आउट किया। एंड उसका फिफ्थ पोकेमॉन जो कि था क्या था भाई, माइलोटिक, हाँ, जिसको भाई इजीली तरीके से हमने यहाँ से बीट कर दिया। एंड फाइनली उसके बाद हम आगे गए जहाँ पर भाई ये लोग बात कर रहे थे कुछ फ्यूचर के बारे में, गालार के फ्यूचर के बारे में, जो कि खतरे में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ बोल रहे थे। एंड
बार बार प्रेसिडेंट बोलते हैं लियोन तुम समझ नहीं रहे हो चीज़ों को, तुम सब सब चीज़ नहीं जानते। फिर जो भी है उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे डिनर विनर करके नेक्स्ट डे आ जाते हैं इधर पे बैटल करने, जहाँ पर भाई ये लौंडा होता है मेरा दोस्त, यस ये दोस्त ही समझ लो मेरा, बट इसको फाइनली मिल चुका था एक्सेस बैटल करने का चैंपियन लीग में। तो भाई काफ़ी अच्छी बात है, वापस इसको सब कुछ दे दिया गया है। एंड भाई जब उसके पोकेमॉन को फर्स्ट वाले को मैं इजीली हरा देता हूँ यहाँ से, सेकंड पोकेमॉन को तो भाई साहब हराने के लिए मैं अपना जाइगेंटा मैक्स यूज़ करता हूँ एंड फिर क्या था भाई साहब, फिर तो टांडव मचना ही था ना हर तरफ। तो एक शॉट में उसका सेकंड पोकेमॉन, उसका थर्ड पोकेमॉन को भी यहाँ से मैं इजी तरीके से वन शॉट करता हूँ एंड उसका फोर्थ पोकेमॉन जिसको मैं यहाँ से वन शॉट कर देता हूँ एंड फाइनली उसके बाद ये लॉन्डे को मैं हरा देता हूँ यहाँ से इजी तरीके से। एंड फिर भाई साहब अपना फिफ्थ बैटल का टाइम था जो कि भाई साहब फोर्थ बैटल का टाइम था जो कि भाई ये लॉन्डिया थी एंड इसको भाई हराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी बिकॉज भाई इसको मैं ऑलरेडी हरा चुका था, इसके पोकेमॉन में जानता हूँ, बट इसने इस बार कुछ एक्स्ट्रा पोकेमॉन खरीद पकड़ लिए थे एंड फिर भाई साहब इसको हारने में कोई रिस्क नहीं लेता भाई, कोई भी रिस्क नहीं लेता इसको हराने में बिकॉज ये पावरफुल है मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा, नहीं तो फोर्स ट्रेनर नहीं होती। जिसको मैंने हराया एक बार में एंड उसके सेकंड पोकेमॉन को मैंने वन शॉट यहाँ से नहीं कर पाया भाई, पावरफुल तो था ये, पावरफुल थी ये मानना पड़ेगा। फिर भाई लॉन्डिया क्या करते हैं अपने पोकेमॉन को हील कर देती पूरा, बट भाई फिर से मैं सेम थिंग करता हूँ एंड इस बार भाई मैं बोलता हूँ चलो फिनिश हो जाओ एंड फाइनली फिनिश होता है एंड उसके बाद इसका ये पोकेमॉन मेरे को बहुत पसंद है बग एंड वाटर टाइप में एंड भाई देखिए इसको भी मैं वन शॉट कर देता हूँ एंड फिर उसका भाई लास्ट पोकेमॉन नहीं था ये वाला पोकेमॉन था सी किंग जिसको मैंने हराया एंड फिर इसका लास्ट पोकेमॉन आया जो भाई था भाई साहब डायनामिक ड्रेडनो था जिसको मैंने वन शॉट यहाँ से कर दिया बिकॉज ड्रेडनो रॉक टाइप भी होता है तो बहुत सुपर इफेक्टिव था मेरा मूव। एंड फिर भाई यहाँ से मेरा फिफ्थ बैटल था इस लॉन्डे के साथ जो कि मास्क लगा के बैठा हुआ था। भाई साहब ये डार्क टाइप ट्रेनर है ना, मुझे पता है बहुत सही, नहीं डार्क टाइप घोष टाइप है जिसका भाई पहला पोकेमॉन ये डस्ट क्लॉक होता है जिसको मैंने रिसेंटली हराया था भाई एंड इसको हराना मेरे लिए कोई बुरी बात तो नहीं है, बट इसका डस्ट क्लॉक मेरे को भाई इतना पावरफुल अटैक मारता है मेरे एचपी ले जाता है अपने पास। फिर मेरे को आता है गुस्सा भाई यहाँ से देख लो भाई पापा कैसे होते हैं। फिर भाई मैंने इसका वन शॉर्टली बीट किया, सेकंड पोकेमॉन आया जिसको मैंने वन शॉर्टली इजीली बीट कर दिया, फिर इसका थर्ड पोकेमॉन आया जिसको मैंने यहाँ से इजीली वन शॉट किया, इसका फोर्थ पोकेमॉन को मैं यहाँ से वन शॉट नहीं कर पाया बट कोई बात नहीं भाई साहब इसको भाई जब मैंने फिनिश आउट किया यहाँ से। फिर इसका फिफ्थ एंड मेन पोकेमॉन जो कि भाई मेगा गेंगार था जिसको मैंने वन शॉट फिनिश आउट कर दिया एंड आफ्टर दैट हम लोग जीत चुके थे अपना सिक्स बैटल भी। एंड इसके बाद यहाँ पर था रिहान के साथ बैटल जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर है, पता है इसको हमने अभी अभी हराया था, ये ड्रैगन टाइप है ठीक है, जिसका सारे पोकेमॉन ड्रैगन टाइप होने वाला है एंड पता नहीं इसका फर्स्ट पोकेमॉन टाइपलेशन कहाँ से इतने पकड़ रहा था, ड्रैगन टाइप तो नहीं है ये, बट कोई बात नहीं इसको आने के लिए मैं अपना टाइगन टाइम पोकेमॉन करता हूँ एंड फिर एक शॉट में फिनिश आउट। एंड फिर इसका भाई सेकंड पोकेमॉन आता है एंड ये गुड्रा था भाई, इसको ही मैं यहाँ से वन शॉट नहीं कर पाता बट कोई बात नहीं, इसके लिए मेरे पास फेरी टाइप एक पावरफुल मूव है जो मैं इसको सरप्राइज के थ्रू देने वाला हूँ। तो चलो भाई ये ले फेरी टाइप मूव एंड एक शॉट फिनिश। एंड उसके बाद इसका फायर टाइप पोकेमॉन आया था जिसको मैंने इजीली फिनिश आउट कर दिया, इसके बाद ये भी था फ्लाइकॉन जिसको मैंने इजीली फिनिश आउट किया एंड उसके बाद इसका डायनेमिक जुरालूडॉन जिसको मैं बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकता, ये काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन है बट कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ नहीं करना पड़ा, एक ही भाई स्नैपशॉट से ही फिनिश आउट कर दिया मैंने इसको एंड फाइनली उसके बाद मैं रिहान के अगेंस्ट पर जीत चुका था एंड अब बस चैंपियन के अगेंस्ट बैटल बाकी है। तो भाई यहाँ से चैंपियन यहाँ से आ गया मेरा प्यारा चैंपियन एंड इसके साथ बैटल कर रहा था बट स्क्रीन में कुछ गड़बड़ आ गया भाई, यहाँ पर दिख रहा था कि भाई डार्क डे इन्हें शुरू हो चुका है, गलार के फ्यूचर के लिए इन्होंने कुछ कर दिया है एंड इन्होंने डार्केस्ट डे को रिलीज़ कर दिया यहाँ से एंड बोले कि लियोन तुमने मेरी बात नहीं सुनी बट मैं इसको कर रहा हूँ एंड ऐसे करके भाई साहब इन्होंने शुरू कर दिया था प्रेसिडेंट ने हैमर क्लॉक सिटी के भाई साहब स्टेडियम में ये सब धो रहा था एंड फाइनली उसके बाद हम लोग सोचे कि हम लोग भी इनकी मदद करेंगे एंड उसके बाद मतलब यहाँ पर सोनिया ने कहा था कि भाई डार्क डे को रोकने के लिए दो पोकेमॉन है जिसका नाम पोकेमॉन शॉर्ट एंड शील्ड है एंड हमें जिनको फाइंड करना है। तो भाई साहब हमें पता चलता है कि यहाँ पर शॉर्ट एंड शील्ड पोकेमॉन होने के चांसेस है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं भाई, जब हमने यहाँ पर जैमाजन सो जैशियन को तो देखा ही था ऑलरेडी तो उसके बाद हम लोग इस यहाँ पर आ जाते हैं उनको ढूंढने एंड फिलहाल भाई मैं काफ़ी टाइम तक उनको ढूंढता एंड फाइनली मैं एक यहाँ पर एरिया में आ जाता हूँ जहाँ पर ढूंढते फाइनली मुझे यहाँ पर जैशियन जमाजेंटा मिलता है एंड जो लोग भाई साहब हमसे देखते हैं तो हैं पोकेमॉन शॉर्ट एंड शील्ड के पोकेमॉन एंड इनको देखने के बाद ये पता नहीं कहाँ से गायब भी हो जाते हैं। फिर भाई मैं इनके बेस में आ जाता हूँ जहाँ पर ये लोग सो रहे थे इतने सालों से ठीक है एंड फाइनली उसके बाद मुझे यहाँ पर पोकेमॉन शॉर्ट एंड शील्ड मिलता है ये वाली जो एसन गोकू मिली थी ठीक है हम मिल जाते हैं जिससे हम उनको समन कर सकते हैं लाइक इनको ला सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी ये मिल गई थी हमें एंड उसके बाद हम आ जाते वापस से स्टाफ सिटी में अंदर जहाँ पर भाई साहब यहाँ पर मैं वो पीए से बात करता हूँ प्रेसिडेंट के जहाँ पर बोल रहे थे कि हर एक पोकेमॉन इसका बड़ा हो चुका है कहाँ पर भाग चुका है एंड डार्केस्ट डे आ चुका है भाई साहब खतरनाक वाला जिसको हमें रोकना है। एंड फिर मैं यहाँ प्रेसिडेंट से बात कर रहा था जो कि भाई बहुत कमीना प्रेसिडेंट था, बोलता है तुम इसको नहीं रोक सकते ये गालार के फ्यूचर के लिए इसने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस किया है जो कि हर एक गालार के ट्रेनर को बहुत पावरफुल बना देगा, बट इसको पता नहीं ये पूरे गालार ही तबाह हो जाएगा, हर पोकेमॉन जाइगेंटा मैक्स होगा तो पूरा गालार तबाह कर देगा ना राइट। तो इसके लिए हम इसको रोकने आते हैं, इसके हर एक पोकेमॉन को मारने के लिए हम पहले पोकेमॉन को जाइगेंटा मैक्स करते हैं एंड फिर
एक ही शॉट के अंदर मैं इसे फिनिश आउट करता हूँ, इसके पहले बुकन को, इसके दूसरे बुकन को भी मैं एक ही शॉट में यहाँ से फिनिश आउट करता हूँ। और इसको औकात तो पता चलना चाहिए ना किसके साथ लड़ रहा है। एंड थर्ड पोकेमॉन और फोर्थ पोकेमॉन के साथ भी सेम होता है, एंड का फिफ्थ पोकेमॉन के साथ यहाँ से सेम कांड नहीं हो पाता, बट कोई बात नहीं, इसको मैं इजीली यहाँ से लास्ट ऑफ दी एक ही शॉट के अंदर फिनिश आउट करूँगा, डोंट वरी। यहाँ से एक स्नैपशॉट एंड ए सेट, भाई क्या कर रही है सब, कोई बात नहीं, मैं अपना फाइनल मूव खा ले मेरा, एंड फाइनली ये फिनिश आउट हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ से मैं जीत चुका हूँ इसके गेंस भी, बट उसके बाद भाई इसने पता है इटर्नस को जगा दिया था। इटर्नस तुम बताए ना कौन सा भुगवन, इटर्निटस इसको जगाया था इसने। एंड उसके बाद भाई बंदा बोलता है तुम हरा दो उसे जाके, चैंपियन वहाँ पे बैटल करता है। फिर भाई मैं आ जाता हूँ चैंपियन को हेल्प करने, लियोन को लाइक, एंड लियोन बोलता है तुम लोग यहाँ पर हेल्प की जरूरत है, देखो मैं इस पोकेमॉन को अभी कैच करूँगा, देखना चैंपियन का कैच। एंड ये बोल के पोकेबॉल फेंकता है ये लोंडा, बट भाई इटर्निटस नहीं आता इसके कैच में। फिर हम लोग चले जाते इसे बैटल करने, एंड यहाँ से इटर्निटस भाई पावरफुल तो था, मानना पड़ेगा। एंड फिर क्या था भैया, हमने यहाँ से अपने पोकेमॉन को जाइगेंडा मैक्स किया, हमने स्नैपशॉट यूज़ किया, सबसे पावरफुल मूव मैंने यूज़ करना नहीं, ज़्यादा जरूरी नहीं समझा इसके अगेंस्ट, एक स्नैपशॉट मैंने यूज़ किया। एंड फिर इसका डार्क बस मैंने ऊपर पड़ा भाई। फिर हमने क्या किया, यहाँ से अपना मैक्स क्यूशो यूज़ किया जो कि सबसे पावरफुल मेरा मूव था, जिससे मैंने इसे फिनिश आउट कर दिया। एंड उसके बाद वापस से डायनेमिक्स बन चुका था जाइगेंटा मैक्स, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा ऑसम पोकेमॉन था, तुम्हें पता है कितना ज़्यादा पावरफुल है ये। एंड फिर हमारे पास पोकेमॉन शॉर्ड एंड शील्ड था, हम वो भूल गए, एंड फिर हमने उनका यूज़ किया। एंड यहाँ से जैसे जमाजंटा जाग गए अपनी नींद से, एंड फाइनली ये लोग यहाँ पर आए इसको रोकने, एंड फाइनली उसके बाद हम मूव कर सकते थे। मतलब भाई उसने मेरा मूवमेंट ही रोक दिया था, हम लोग हिल भी नहीं सकते थे वहाँ पर, बट कोई बात नहीं, उसके बाद हमारा मूव शुरू हो गया। एंड उसके बाद हमने अपने पोकेमॉन को जाइगेंटा मैक्स कर लिया यहाँ से, एंड शुरू कर दिया भाई बैटल इटर्निटस के साथ। एंड इसके भाई एक शॉट में तो भाई काफ़ी ओपी डैमेज नहीं दे पाए, बिकॉज ये जाइगेंटा मैक्स इटर्निटस था भाई, बट इसने भाई मेरी लंका लगा दी थी। एंड फिर जो भी हो भाई एंड ऑफ द टाइम मैंने यहाँ से अपना फुल रिस्टोर यूज़ किया मेरे पोकेमॉन को, जो कि भाई मेरे पोकेमॉन को फुल एचपी वापस से कर दिया। एंड फिर भाई बैटल में अभी आने वाला था असली मज़ा, मैंने अपना मैक्स स्टाफुल यूज़ किया जिसका ज़्यादा असर तो नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं भाई इसको हराएंगे हम ज़रूर से, ठीक है। एंड फिर मैंने अपना मैक्स क्रिस्टल यूज़ किया, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा लो एच में आ चुका था। एंड फिर मैंने सोचा भाई अल्ट्रा बॉल मार के इसे कैच कर लेते, चलो सही बात है, बट यहाँ पर अल्ट्रा बॉल इसके ऊपर यूज़ ही नहीं हुआ। एंड वापस से उसने भाई मेरे पर अटैक करने की ट्राई की, बट इसका सर कंफ्यूज था तो इसने अपने आप को मार दिया। एंड फाइनली उसके बाद यहाँ से भाई साहब हम लोग हरा चुके थे इटर्निटस को, एंड उसके बाद भाई साहब हमने अपना पोकेबॉल फेंका एंड हमने इटर्निटस को कैच कर लिया। ये काफ़ी सही चीज़ हुई भाई पूरे जगह में। एंड उसके बाद भाई अपन लोग यहाँ से आ गए नेक्स्ट डे, एंड हमने इटर्निटस को टीम में भरा, एंड अभी हम चैंपियन से बैटल करने जा रहे थे इधर का चैंपियन बनने। राइट, तुम्हारा भाई चैंपियन बनेगा वापस से, तो चलो कोई बात नहीं, अब जाते चैंपियन बनने, चैंपियन को हराने। एंड फिलहाल भाई चैंपियन के लिए बैटल शुरू हो चुकी थी, एंड यहाँ पर लियोन था अपना प्यारा सा चैंपियन, बट फिलहाल हम बनने वाले हैं, कोई बात नहीं, लियोन खुशी मना ले। और मैं इटर्निटस को यूज़ करने का सोचता हूँ इससे मज़े लेने की, तो चैंपियन को आने के लिए मैं पहले सोचता हूँ डायनामिक्स कैनन करता हूँ। चलो भाई इसके बुगन के ऊपर फ्लेम्स वाल भी मेरे पास था, पता नहीं मैंने बस पता सर में क्या चला था, मैं डायनामिक्स कैनन यूज़ किया, ठीक है, बट कोई बात नहीं, उसके बाद मैं वापस डायनामिक्स कैनन यूज़ किया। एंड फिर भाई इसने मेरे पोकेमॉन को एक शॉट मारा, पावरफुल था चीज़, फिर मैंने अपना फ्लेम्स वाल यूज़ करने का सोचा, तो भाई एक ही फ्लेम्स वाल के अंदर इसका पूरा एचपी ही यहाँ से निकल लिया। एंड उसके बाद इसका सेकंड पोकेमॉन आया जो कि भाई ड्रैगन टाइप था, जिसको मैंने इजीली तरीके से ड्रैगन पल्स से फिनिश आउट कर दिया। फिर भाई इसका थर्ड पोकेमॉन यहाँ से आया, जिसको मैंने सोचा इजीली फिनिश आउट कर दूंगा, मैंने इसका पोजन वाला अटैक किया, एंड एक अटैक से काफ़ी अच्छा डैमेज पहुंचा। एंड फिर भाई मैंने इसको दूसरे अटैक में ही फिनिश आउट कर दिया। फिर भाई इसका फोर्थ पोकेमॉन आता है, जिसको मैं सोचता हूँ भाई ड्रैगन पल से एक अटैक में फिनिश आउट कर दूंगा, बट इसने पहले जाका मेट्योर कर दिया था एंड मुझे इसने फिनिश आउट कर दिया भाई, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैं निकलता अपने पावरफुल पोकेमॉन इंटेलियन को, एंड अभी तो भाई मेरे पास फेयर टाइप का सबसे पावरफुल मूव था, तो मैंने एक ही मूव के अंदर से फिनिश आउट कर दिया ड्रैगन टाइप को। एंड फिर भाई ये था जो कि राइहॉर्न का एवोल्यूशन रूप था, तो मैंने इसको सबसे पावरफुल मूव मैक्रोशियस से फिनिश आउट कर दिया। एंड आफ्टर दैट फाइनली इसका मेगा था जो एक्स था, जो कि सबसे पावरफुल पोकेमॉन था, एंड जो कि भाई बेचारा एक ही शॉट के अंदर मारा जाता है काफ़ी फनी, ठीक है ना, फनी थिंग। हाँ, एंड फाइनली उसके बाद हम लोग बन चुके थे आके चैंपियन लियोन को हरा के, एंड नाउ आई एम द चैंपियन ऑफ गालार। तो भाई साहब उसके बाद अपना पोकेमॉन रजिस्टर करना तो बनता ही है, एंड हमने ऐसे अपने पोकेमॉन को रजिस्टर किया, एंड अभी हॉल ऑफ फेम में भी अपना नाम दर्ज कराना है। तो फाइनली इसके बाद मेरे हॉल ऑफ फेम में नाम दर्ज हुआ, एंड दो पोकेमॉन मेरे एक्सचेंज हो चुके थे, स्वैम्पेट एंड वो दिखा रहा है, जो कि मेरे पोकेमॉन थे इटर्निटस प्लस मेरा रॉकरूफ, तो रॉकरूफ नहीं सॉरी जो भी था उसका रॉकरूफ का एवोल्यूशन। तो भाई जो भी हो उसके बाद हम लोग यहाँ से आए, जिधर भी मुझे जैसे ने जमाजंटा को कैच करना था, उनको कैच करे बिना गेम कैसे ख़त्म हो सकता है बापू। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, एंड फाइनली यहाँ पर भाई जैसे जमाजंटा था, मैं सोचा किसी एक को ही कैच कर पाऊंगा, तो मैंने सोचा यार पहले करते जैसियन का कैच, एंड फिर मैंने इससे बैटल शुरू कर दी। मुझे जैसियन भाई काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन था, तो भाई इसको कैच करने के लिए तो भाई अपना डायनामिक्स चाहिए ही चाहिए। तो हमने जाते जाइगेंटा मैक्स किया अपने पोकेमॉन को, एंड फिर
भाई इसके ऊपर मैंने मूव यूज़ की जो कि यूज़ नहीं हो रहे थे, पता नहीं हर एक मूव इसके ऊपर मिस हो रहा था, यूज़ ही नहीं हो रहा था। एंड फिर मैंने एक पॉइजन टाइप मूव यूज़ किया एंड जो कि फाइनल इसके ऊपर यूज़ हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड फिर अपने दूसरे पॉइजन टाइप मूव से मैंने उसको काफ़ी डैमेज किया एंड इसके ऊपर पॉइजन लग गया भाई। एंड तीसरे मूव में तो भाई मैंने सोचा मैं इसे मार ही दूंगा, बट ये मरा नहीं भाई, बहुत सही बात है, इसके ऊपर पॉइजन का यूज़ नहीं हो रहा था तुम देखना, बट कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने अपना अल्ट्रा बॉल फेंका एंड एक ही थ्रो के अंदर ये बंदा नहीं आया भाई, लेजेंडरी ऐसे थोड़ी आएगा ना। एंड फिर भाई दूसरे थ्रो में ये बंदा आ गया मेरे पोके बॉल में एंड अल्ट्रा बॉल में। एंड फिर मैंने सोचा भाई कैच कर दे ज़ामाजेंटा को, एंड ये लौंडा भाई काफ़ी सख्त लौंडा है, तो इसको कैच करने तुम्हारी फट जाएगी बिल्कुल भाई। इसको मैंने कैच करने के लिए कम से कम भाई काफ़ी सारे पोगल यूज़ किए एंड फाइनली उसके बाद मेरा गेम खत्म हो गया। बाय द वे गाइस, तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी? तुम लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड खेलो, तो मैंने